हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहन देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और इसमें हम पढ़ रहे हैं ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इस चैप्टर का चौथा क्वेश्चन आज की क्लास में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, रमा एवं शमा बराबर के साझेदार है। उनका 31 मार्च 2018 को चिट्ठा निम्नलिखित प्रकार है। तो 31 मार्च 2018 का रमा और शमा जो एक साझेदारी फर्म है उनकी, एक इस फर्म का चिट्ठा, इस फर्म की बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2018 की। तो लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है 7,50,000 की और रमाज कैपिटल, रमा की पूंजी है 26,25,000 की और शमा की कैपिटल है 22,50,000 की। तो इस प्रकार से 56,25,000 लायबिलिटीज साइड का टोटल है। एसेट साइड में एसेट्स में कैश बैलेंस है 6,75,000 रुपए का, बीआर बिल्स रिसीवेबल 2,62,500 के, डेटर्स है 6,25,000 के, स्टॉक है 5,00,000 का, मशीनरी है 21,87,500 की और बिल्डिंग्स है 13,75,000 की। और इस प्रकार से 56,25,000 का एसेट साइड का टोटल है। तो रमा और शमा की जो साझेदारी फर्म है उसकी 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी हुई है। मशीन एवं भवन का पुनर्मूल्यांकित मूल्य, और रमा और शमा अपने व्यवसाय को बेचना चाहती हैं तो इन्होंने अपनी संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करवाया। तो बाकी सभी संपत्तियां जो है पुस्तक मूल्य पर ही पुनर्मूल्यांकित की गई, लेकिन मशीन और भवन, मशीनरी और बिल्डिंग का जो पुनर्मूल्यांकित मूल्य है वह 23,62,500 और 18,25,000 है, जबकि जो पुस्तक मूल्य है मशीनरी का वो है 21,87,500 लेकिन पुनर्मूल्यांकित मूल्य है 23,62,500। यानी पुनर्मूल्यांकन करने पर मशीनरी के मूल्य में वृद्धि हुई है। जो पुस्तक मूल्य है वो है 13,75,000 और पुनर्मूल्यांकित मूल्य है 18,25,000। यानी भवन के मूल्य में भी पुनर्मूल्यांकन पर, रिवैल्यूएशन पर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 5 वर्षों के लाभों का औसत 7,00,000 रुपए है। पिछले 5 वर्षों के लाभों का औसत दिया हुआ है और पिछले वर्षों के लाभों का औसत के आधार पर ही हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ ज्ञात करते हैं। तो औसतन 7,00,000 रुपए प्रतिवर्ष इस व्यवसाय को खरीदने से हो पाएंगे, लेकिन अगर इन लाभों में भविष्य में कुछ परिवर्तन होने की संभावना हो तो उन परिवर्तनों का समायोजन करने के बाद में हम भविष्य में कायम रहने वाले लाभ, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करते हैं। सामान्य प्रत्यय दर 10% है। अगर ऐसा ही कोई नया व्यवसाय शुरू किया जाए तो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, जो सामान्य लाभ है, वो विनियोजित पूंजी पर 10% के रूप में कमाए जा सकेंगे। मशीन पर 15% एवं भवन पर 10% मूल्यह्रास लगाया जाता है। अधिलाभों पर 5 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। सुपर प्रॉफिट्स के आधार पर हमको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। तो सुपर प्रॉफिट्स यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, 5 वर्षों का औसत लाभ दिया हुआ है 7,00,000 रुपए। अगर भविष्य में इनमें कोई परिवर्तन होने की संभावना हो तो उसका समायोजन करके हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ज्ञात करते हैं। तो यहां पर भविष्य में केवल एक परिवर्तन होने की संभावना है और वो यह है कि जो भविष्य में अब मशीनरी और बिल्डिंग पर जो मूल्य ह्रास लगाया जाएगा वो ज्यादा मूल्य ह्रास लगाया जाएगा, अतिरिक्त मूल्य ह्रास लगाया जाएगा। अभी जो ये 7,00,000 रुपए औसत लाभ ज्ञात किया हुआ है, ये मशीनरी की जो वैल्यू है 21,87,500 और जो बिल्डिंग की वैल्यू है 13,75,000, इन मूल्यों पर मूल्यह्रास लगाने के बाद में यह औसत 7,00,000 रुपए का लाभ ज्ञात किया हुआ है, लेकिन पुनर्मूल्यांकन के कारण मशीनरी और बिल्डिंग के मूल्य में बढ़ोतरी हो गई है। अब भविष्य में मशीनरी पर 21,87,500 की जगह 23,62,500 रुपए पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा और बिल्डिंग्स पर 13,75,000 रुपए की जगह 18,25,000 रुपए पर मूल्यह्रास लगाया जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन के कारण
संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिस वजह से भविष्य में मूल्यह्रास में भी वृद्धि होगी और लाभों में कमी हो जाएगी। तो जो मूल्य में वृद्धि हुई है पुनर्मूल्यांकन के कारण, उस बढ़े हुए मूल्य पर कितना अतिरिक्त मूल्यह्रास, कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा भविष्य में, वो एडिशनल डेप्रिसिएशन हम औसत लाभों में से, एवरेज प्रॉफिट्स में से घटाएंगे। तो एवरेज प्रॉफिट्स है, एवरेज प्रॉफिट्स है 7 लाख रुपए के, और उनको घटाना है एडिशनल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन और ऑन मशीनरी। मशीनरी पर कितना अधिक मूल्यह्रास लगाया जाएगा, मशीनरी का जो अभी पुनर्मूल्यांकन मूल्य है वो है 23,62,500, यानी कि मशीनरी के मूल्य में कितनी बढ़ोतरी हुई और कितना बढ़ोतरी होने की वजह से कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो 23,62,500 रुपए पुनर्मूल्यांकन मूल्य है और जो पुस्तक मूल्य है वो है 21,87,500 रुपए। तो जो बढ़ोतरी हुई है जो पुनर्मूल्यांकन के कारण मशीनरी के मूल्य में जो बढ़ोतरी हुई है वो हुई है 23,62,500 माइनस 21,87,500, 1,75,000 की, 1,75,000 की बढ़ोतरी हुई है और मशीनरी पर 15% डेप्रिसिएशन लगाया जा रहा है। तो 1,75,000 का 15%, 1,75,000 रुपये मशीन के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है और इस 1,75,000 का 15% होता है 26,250, यानी कि भविष्य में 26,250 रुपए का अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाएगा। तो मशीनरी पर है 26,250 रुपए अतिरिक्त मूल्यह्रास और बिल्डिंग्स पर, बिल्डिंग्स का पुनर्मूल्यांकन मूल्य है 18,25,000 और वो जो पुस्तक मूल्य है वो है 13,75,000 और बिल्डिंग पर 10% मूल्यह्रास लगाया जाता है। तो 18,25,000 रुपए में से 13,75,000 माइनस करेंगे तो संपत्ति के मूल्य में 4,50,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 4,50,000 रुपए की, और जिसका 10% है 45,000, यानी भविष्य में इस बढ़े हुए मूल्य पर 45,000 रुपए अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा। तो 45,000 + 26,250 71,250 रुपए भविष्य में अतिरिक्त मूल्यह्रास लगाया जाएगा। इस वजह से जो 7 लाख रुपए के औसत लाभ होने की, औसत लाभों के आधार पर जो हमने संभावना देखी थी कि भविष्य में 7 लाख रुपए औसत प्रतिवर्ष लाभ कमाया जा सकता है, लेकिन इसमें से 71,250 रुपए अतिरिक्त मूल्यह्रास से भविष्य में घटाए जाएंगे। तो जो भविष्य में कायम रहने वाले लाभ है वो है 6,28,750 रुपए। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है 6,28,750। अब हमको नॉर्मल प्रॉफिट्स ज्ञात करना है और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का, यानी पुराने व्यवसाय द्वारा जो कमाए जाने वाले लाभ हो भविष्य में, उनका जो नए व्यवसाय द्वारा कमाए जाने वाले सामान्य लाभों का जो आधिक्य है वो ही सुपर प्रॉफिट्स अधिलाभ कहलाता है, और इन अधिलाभों उन सुपर प्रॉफिट्स का कारण होता है पुराने व्यवसाय की ख्याति। इसलिए पुराने व्यवसाय को अधिलाभों के आधार पर ख्याति का मूल्य चुकाया जाता है। तो 6,28,750 है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, और इस व्यवसाय में जितनी पूंजी लगाई गई है उतनी पूंजी लगाकर अगर कोई नया व्यवसाय शुरू किया जाए तो उस व्यवसाय से बाजार में प्रचलित सामान्य प्रत्यय की दर 10% से सामान्य लाभ कमाए जा सकेंगे। वो कितने कमाए जा सकेंगे वो हमको कैलकुलेट करना होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड व्यवसाय में विनियोजित औसत पूंजी के आधार पर सामान्य लाभ ज्ञात किए जाते हैं। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ओपनिंग
कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन टू, यानी कि जो व्यवसाय में व्यवसाय के शुरुआत में वर्ष के शुरुआत में जो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है प्रारंभिक विनियोजित पूंजी है और वर्ष के अंत में जो अंतिम विनियोजित पूंजी है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उन दोनों का टोटल के दो का भाग लगाकर औसत विनियोजित पूंजी ज्ञात की जाती है। तो हमको क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है वर्ष के अंत की 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दी गई है, इसके आधार पर हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पहले ज्ञात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, तो टोटल एसेट्स एसेट्स में हम लेंगे कैश बैलेंस, कैश बैलेंस 675,000 रुपए का, डिस रिसीवेबल्स है 262,500 के, डेटर्स है 625,000 के, स्टॉक स्टॉक है 5,000 रुपए का। तो जब हम टोटल एसेट्स लेते हैं एसेट्स में से बाहर की जो दायित्व है बाहरी दायित्व घटाए जाते हैं, तो एसेट्स में हम करंट एसेट्स लेते हैं और करंट एसेट्स में अगर कोई प्रोविजंस करने की आवश्यकता है तो प्रावधान की आवश्यकता है, तो उन प्रोविजंस को घटाने के बाद में हम करंट एसेट्स लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए। तो हमने करंट एसेट्स ली है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन में मशीनरी और बिल्डिंग्स ये फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है, तो फिक्स्ड एसेट्स ली जाती है वसूली मूल्य पर या बाजार मूल्य पर। तो इन मशीनरी और बिल्डिंग्स का पुनर्मूल्यांकन किया गया है, यानी कि वसूली मूल्य है आज की तिथि को 31 मार्च 2018 को इन संपत्तियों का जो बाजार का मूल्य है वो है 23,62,518,25,000। तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते समय फिक्स्ड एसेट्स का रियलाइजेबल वैल्यू या मार्केट वैल्यू ली जाती है। अगर क्वेश्चन में वो नहीं दिया हुआ हो तब हम पुस्तक मूल्य या जो उसका अपलिखित मूल्य है रिटन डाउन वैल्यू है वो लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमको इनका रियलाइजेबल वैल्यू दी हुई है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन करते समय हम इनकी रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे ना कि बुक वैल्यू। मशीनरी और बिल्डिंग्स 23,62,500 और 18,25,000, इन सब का टोटल करेंगे 675,000, 262,500, 625,000, 5,00,000, 23,62,500 और 18,25,000, 62,50,000, 62,50,000। और इसमें से हम आउटसाइड लायबिलिटीज निकाल लेते हैं, तो आउटसाइड लायबिलिटी इस क्वेश्चन में केवल क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर्स है 7,50,000, 7,50,000। तो 62,50,000 में से 7,50,000 निकालने पर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आता है 55,00,000। जगह की कमी के कारण ये जो इनका जो डिफरेंस है दोनों का ये इधर लिखा है 55,00,000। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 55,00,000 रुपए की, और अगर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ घटा दिया जाए, करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर घटा दिया जाए तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाती है। वर्ष के प्रारंभ में व्यवसाय में जो पूंजी लगी हुई थी उसमें वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ भी जोड़ा जाता है, तो वर्ष के प्रारंभ में विनियोजित पूंजी में वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ जुड़ने के बाद में जो राशि आती है वो वर्ष के अंत में विनियोजित पूंजी कहलाती है। तो जो वर्ष के अंत में विनियोजित पूंजी है यानी कि क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ जुड़ा हुआ होता है, तो अगर वो वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ हम घटा दें तो हमको ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ज्ञात हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में वर्ष के दौरान कमाया हुआ लाभ
करंट ईयर प्रॉफिट हमको दिया हुआ नहीं है, केवल पिछले 5 वर्षों के लाभ का औसत दिया हुआ है 7 लाख रुपए। और इसके आधार पर हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि इस वर्ष जिस वर्ष का जो चिट्ठा दिया हुआ है, बैलेंस शीट दी हुई है 2017-18 की, इस वर्ष कितना लाभ कमाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन में हम जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे वो हम करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कर, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर। तो हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं याद करनी, हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर ही जो है नॉर्मल प्रॉफिट याद करेंगे। तो जहां तक संभव हो तो औसत विनियोजित पूंजी यानी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर ही नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं। लेकिन अगर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं याद की जा सके तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के बेस पर हम नॉर्मल प्रॉफिट याद करते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 55 लाख रुपए और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो है 5,50,000 रुपए। यानी कि व्यवसाय में 55 लाख रुपए की पूंजी विनियोजित की गई है और इतनी ही पूंजी अगर कोई नए व्यवसाय में लगाई जाए, अन्यत्र कहीं लगाई जाए, तो 10% के हिसाब से इस पूंजी पर 55 लाख रुपए पर 5,50,000 रुपए के सामान्य लाभ कमाए जा सकते हैं। लेकिन इस व्यवसाय से जिस व्यवसाय की ख्याति का मूल्यांकन हम कर रहे हैं, इस व्यवसाय में अगर 55 लाख रुपए लगाए जाए तो इस व्यवसाय से भविष्य में 6,28,750 रुपए कमाए जाने की संभावना है। तो इस व्यवसाय की वजह से 6,28,750 रुपए से अगर सामान्य लाभ 5,50,000 रुपए लगा दी जाए तो इस व्यवसाय के कारण 55 लाख रुपए की पूंजी लगाकर 78,750 रुपए के सुपर प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं, और जिसका कारण है पुराने व्यवसाय की ख्याति। तो अधिलाभों के यानी सुपर प्रॉफिट्स के 5 वर्षों के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। जो पुराना व्यवसाय है रमा एवं समा ये कहती है कि जो आप इस व्यवसाय से भविष्य में अधिलाभ कमाओगे वो 5 वर्षों तक हमारी ख्याति की वजह से कमाओगे। तो इसलिए अधिलाभों के 5 वर्षों के बराबर ख्याति का मूल्य इनको चुकाना पड़ेगा जो भी व्यवसाय इनका इनकी साझेदारी पर खरीदना चाहता है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल होगी सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, वर्षों की क्रय संख्या। तो सुपर प्रॉफिट्स को 5 से गुणा करेंगे यानी जो वर्षों की क्रय संख्या है 5 वर्षों से गुणा करेंगे तो उनको ख्याति का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट्स है 78,750 रुपए और इनके 5 वर्षों के बराबर हमको ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। 78,750 को 5 से गुणा करेंगे तो आता है 3,93,750 रुपए, ये ख्याति का मूल्य है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्यवसाय का मूल्य बताइए। क्वेश्चन में कहा है कि वे आपसे उचित विक्रय मूल्य के बारे में सलाह लेना चाहते हैं कि व्यवसाय को कितने रुपए में बेचा जाए। ख्याति का मूल्य तो 3,93,750 वसूल करेंगे लेकिन पूरे व्यवसाय का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो पूरे व्यवसाय का विक्रय मूल्य होगा अंतिम विनियोजित पूंजी, यानी कि व्यवसाय में 31 मार्च 2018 को 55 लाख रुपए लगाए गए हैं तो अंतिम विनियोजित पूंजी प्लस ख्याति का मूल्य लेंगे 3,93,750। तो 55 लाख प्लस 3,93,750 तो 58,93,750 व्यवसाय का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व किया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।